So hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. सभी को good evening, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. जैसे जब भी आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, उन सभी तरह से आपको करती हूँ अपने इस चैनल में वेलकम. और आज हम पढ़ेंगे अपने ICT की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी में नेक्स्ट टॉपिक, कुछ और इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे. देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनाती हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इनके क्वेश्चंस, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है. डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन तो आपको जो सिलेबस है उसमें दिया ही हुआ है. इसके अलावा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आजकल हम बहुत अच्छे से जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, क्योंकि लॉकडाउन ने हमें अच्छे से सिखा दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितनी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है आपके आगे बढ़ने में. तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है ऐसे कौन कौन से बहुत सारे इंजन्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं. वैसे तो बहुत आसान हो गया है आजकल, जब से मोबाइल हाथ में आ गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से. लेकिन फिर भी हमें ये जानना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं. तो सबसे पहले स्काइप शुरू हुआ था आज से बहुत साल पहले, जब हमारा जो कनेक्शन होता था इंटरनेट का वो थ्रू ब्रॉडबैंड होता था. घर में एक मॉडेम लगता था जिसका टेलीफोन से कनेक्शन होता था, ब्रॉडबैंड के थ्रू आपके घर में इंटरनेट का कनेक्शन हुआ करता था. उस समय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर यूज होता था वो था स्काइप. तो याद रखना है आपको, लाइव साइज एक और दूसरा सॉफ्टवेयर है, हाई फाइव तीसरा, ठीक है, जूम बहुत जानते हैं लोग जूम के बारे में, जूम तीसरा हो गया, चौथा हो गया, सिस्को वेव एक्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है, गो टू मीटिंग, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, वर्कप्लेस फेसबुक, फेसबुक से बहुत लोग परिचित हैं आजकल. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ऐसे व्यक्ति होगा, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों में से कोई भी ऐसा होगा जिसका फेसबुक में एक अकाउंट ना हो. तो वर्कप्लेस फेसबुक भी होता है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिप चैट एंड गो टू वेबिनार, ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, अगर आप देश में हैं, देश के बाहर हैं, तब भी आप इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से. इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस कर लेंगे आज, जिसमें हम बात करेंगे उन डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में जो एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, आगे हमें जाकर टीचर बनना है, तो टीचर बनेंगे हम, और तो हमें मालूम होना चाहिए कैसे कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं जो एजुकेशन के लिए मददगार हो सकते हैं. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट तो बहुत चीजें होती हैं, मैंने आपको MOOC के बारे में बताया था, स्वयं के बारे में बताया था, स्वयं प्रभा के बारे में बताया था, इसी तरह से एक है डिजिटल इनिशिएटिव है NMEICT, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, आपको याद रखना है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, मतलब इसका मिशन ही है कि पूरे देश को एक साथ जोड़कर एजुकेशन को इम्प्रूव करना, एजुकेशन के बारे में आगे बहुत सारे, मतलब जन जन तक एजुकेशन को पहुंचाना इसका इनिशिएटिव था, जो गवर्नमेंट के साइड से लिया गया था. स्टार्ट हुआ था ये 2009 में और MHRD के द्वारा स्टार्ट हुआ था, MHRD जो कि उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, अब इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं. ये इनका मेन उद्देश्य था पैडागोजी को इम्प्रूव करना, मतलब हर तरीके की जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पैडागोजी को इम्प्रूव करना, किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये सिखाना, ई लर्निंग को बढ़ावा देना, वर्चुअल लेबोरेटरी प्रदान करना, मतलब लेबोरेटरी ऐसी हो, अगर बाई चांस आप ऐसे जगह पर हो, मतलब आप रह रहे हो जहां से आप लाइब्रेरी या लेबोरेटरी तक डायरेक्टली आप पहुंचना हो सकती है, आप पर आपकी ऐसी जगह पर है जहां पर एक्सेस नहीं है लेबोरेटरीज का, तो वहां पर आपको वर्चुअली लेबोरेटरीज
प्रोवाइड कराई जाएंगी। डीटीएच प्लेटफॉर्म मतलब डायरेक्ट टू होम, जैसे टेलीविजन हमारे होते हैं अलग अलग चैनल्स दिखाए जाते हैं स्टार जी सोनी, उसी तरीके से डीटीएच के थ्रू भी ये एजुकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू चलाए जाते हैं, चार चार घंटे के स्लैब में चलाए जाते हैं, ताकि एजुकेशन को टीवी के माध्यम से बढ़ाया जा सके। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और वाईफाई प्रोवाइड करना भी इसका काम होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से मूक स्वयं स्वयं प्रभा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का NMEICT। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको मैं सबसे अच्छा तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स बना लीजिए, है ना, क्योंकि एक जगह जब आपका सब कुछ लिखा मिलेगा ना तो बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे। आगे इसी तरीके और भी इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए कुछ और हम देख लेते हैं डिजिटल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की साइड से लिए गए हैं और जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए मैं आपको पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव के बारे में बता चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इनके बारे में पता हो और ये भी पता हो कि ये कब स्टार्ट हुए थे, इनका फुल फॉर्म क्या है, कि कौन सी ऐसी जनसंख्या का पार्ट है जिसको ये बेनिफिट देते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स चल भी रहे हैं जिनके बारे में बहुत जनता तक पता ही नहीं होता है, क्योंकि न जाने क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि एक प्रोग्राम बना देना और उसको प्रोग्राम को किस तरीके से फैलाया जाता है इसमें जरूर कमी हो जाती है। प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं लेकिन एक जनता तक पहुंच नहीं पाते। अब हम भी तो स्टूडेंट्स रहे हैं लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ही इन सारी चीज़ों के बारे में पता है जो कि गवर्नमेंट की साइड से ऑलरेडी चल रही है ना। तो मालूम होना चाहिए इन सब के बारे में। तो एडुसेट के बारे में जान लेते हैं, अगला जो नंबर है इनिशिएटिव जो है एडुसेट, जिसको जी सेट भी कहते हैं, जी सेट 3, ये क्या है? तो ये एक सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, जो कि लॉन्च हुआ था 20 सितंबर 2004 को इसरो से। इसरो के बारे में तो आप जानते हैं ना, क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत से जो सैटेलाइट्स जाते हैं, जो भी रिसर्च का प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वो इसरो से होता है, जो कि रिसर्च की फील्ड में आगे आगे काम करता है। तो उसने ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका काम यही होता था कि एजुकेशन को किस तरीके से आप बढ़ाया जा सके, एजुकेशन के अलग अलग जो प्रोग्राम हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से चलाए जा सके। ठीक है, और मेनली इनका काम ये था कि टू वे कम्युनिकेशन को बढ़ाया जा सके, जब स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हों, जो दूर दराज भी स्थिति में बैठे हुए हों, वो अपने टीचर्स के साथ में टू वे कम्युनिकेशन कर पाए। जिस तरीके से मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ से आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप भी वहाँ से मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, दोनों ही का हमारा कम्युनिकेशन होगा, तो वो टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि टू वे कम्युनिकेशन को बढ़ाया जा सके। अगला नंबर है IITPAL, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, है ना, इनको आपको फुल फॉर्म में याद रखना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT का मतलब तो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, PAL का मतलब होता है प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, अब ये चीज है, ये किसके लिए है? तो ये IIT के माध्यम से प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि JEE की तैयारी कर रहे हैं। JEE का मतलब क्या होता है? जो कि कंप्यूटर सॉरी इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, ज्वाइंट इन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो, ठीक है, जो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो JEE मेंस का आपको एग्जाम देना होता है। AIEEE भी वही होता है, है ना, जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है AIEEE, उन सारी ही एग्जाम्स के लिए जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उन सभी एग्जाम्स के लिए इनके द्वारा प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और स्वयं स्वयं प्रभा, जो स्वयं प्रभा चैनल है ना, DTH के माध्यम से गांव गांव तक पहुंचाया जाता है, वो सारे ही लेक्चर स्वयं प्रभा के माध्यम से टेलीकास्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है IITPAL, IITPAL, IIT से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफेसर असिस्टेंट लर्निंग।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सॉरी है ना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया जून 2019 को। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस का उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था। इनका काम है ये कि ये बुक प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके के कोर्सेज के, अलग अलग तरीके की जो भाषाएं होती हैं भारत में जो बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं की बुक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं आपको, डिजिटल पढ़ने के लिए बुक्स मिलती हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स बुक एक्सेस नहीं कर पाते हैं या नहीं खरीद पाते हैं, उनको बुक्स मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव थे गवर्नमेंट के, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इनके फुल फॉर्म्स हम पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से कुछ और हैं जिनके बारे में हम पढ़ के इसको फिनिश कर देते हैं आज, है ना। और फिर कल बचता है जो अब केवल बचेगा कि कुछ एब्रिविएशन हैं जो बताने हैं, तो उनको तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उसी में देख के पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, कल होगा तो कल करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे करेंगे। तो ये कुछ और हैं जिसमें से पहला जो नाम है, इसके अलावा जो हमने अभी पढ़े उसके अलावा, NAD का मतलब क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसका भी शुभारंभ जो है वो इनिशिएटिव जो किया गया था वो MHRD के द्वारा किया गया था। और ये भी डिजिटल स्टोरेज एक्सेस वेरिफिकेशन एकेडमिक अवार्ड इश्यूज बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इनको देता है। ठीक है, इट प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया देम टूवर्ड्स अचीविंग डिजिटल इनेबलमेंट ऑफ एजुकेशन रिकॉर्ड्स। जो हमारे एजुकेशन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो मार्कशीट्स होती हैं, उन सभी का एक ही जगह पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब उसमें स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कहीं पर भी उसे एक्सेस कर सकें, तो वो है NAD। ठीक है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, मतलब हर जगह आपको अपनी मार्कशीट और उसकी जो फाइल है ना, वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मार्कशीट्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप कहीं पर भी डिजिटली उसे एक्सेस कर सकें। फिर नेक्स्ट है शोध सिंधु के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। शोध सिंधु क्या होता है, जितनी भी ये शोध ग्रंथ होते हैं, उन शोध ग्रंथ को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। शोध ग्रंथ हो जाते हैं, शोध पत्रिकाएं होती हैं, रिसर्च जर्नल्स होते हैं जो, ठीक है, UGC के द्वारा ये चलाई जाने वाली संस्था है, जिसमें बुक्स और 15,000 से ज्यादा इंटरनेशनल एजुकेशनल जर्नल्स होते हैं, ई बुक्स होती हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, और गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आता है वर्चुअल लैब्स। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, वर्चुअल लैब। अब ये देखो नाम से समझ में आ रहा है, लैब है मतलब लेबोरेटरीज हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन ये वर्चुअल नहीं है, मतलब आप कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था NMAICT के द्वारा, मतलब एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा है, वही इसको ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट आता है ई यंत्रा है ये, ठीक है, ई यंत्रा इज एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड एजुकेशन एन एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स बाय IIT बॉम्बे, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है,
ये एक तरीके की रोबोटिक्स को बढ़ाने वाली, मतलब जो रोबोटिक्स में जो काम होता है, रोबोटिक्स में जो काम होता है उसको बढ़ाता है। और इसको भी जो हमने भी बात करी थी नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चलाई जाती संस्था, उसके द्वारा ही ये रन करती है। नेक्स्ट है ई आचार्य। ई आचार्य क्या है? ई आचार्य इज एन इंटीग्रेटेड ई काउंटेज पोर्टल। इट इज अ वेब बेस्ड इंटरफेस डेवलपमेंट डेवलप्ड बाई इंफालिब नेट। मतलब मैंने आपको बताया था एक बार, इंफालिब नेट जो कि गांधीनगर गुजरात में संस्था है, जो कि इंटरनेशनल लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी को नेटवर्क के साथ में जोड़ा जा रहा है और उसके माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रन किए जाते हैं। आप घर बैठे अपने अपने घर में बहुत सारी लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग की, सोशल साइंसेस की, इंडियन इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटीज की, अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ई कल्पा। ई कल्पा इज अ प्रोजेक्ट ऑन क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरमेंट फॉर डिजाइन, ठीक है। डिजिटल लर्निंग डिजाइन के लिए है, मतलब अलग अलग तरीके के क्षेत्रों में बनाए गए हैं, जैसे यंत्रा हो गया जो मैकेनिकल फॉर्म में आ जाता है, ई आचार्य हो गया मतलब जो बुक्स को, प्रोजेक्ट्स को, अलग अलग तरीके के जो कार्य कर रहे जा रहे हैं देश भर में, उसको बताता है। ई कल्पा मतलब बहुत सारे डिजाइन के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिजाइन की फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनकी लर्निंग के लिए ये एक ई कल्प नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद में है साक्षत। ये क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज डिजाइंड एन एजुकेशनल हेल्पलाइन नेम साक्षत। इट इज परसीव्ड टू बी सिंगल स्टेप एजुकेशन पोर्टल फॉर एड्रेसिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, स्कॉलर, टीचिंग टीचर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ई कंटेंट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2006, ठीक है। एक तरीके का पोर्टल है जो कि हमेशा चलता है, जो एक्सेस करता है, एड्रेस करता है बहुत सारी जो नीड्स होती स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, उन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। जो साक्षत है वॉज लोकेटेड आफ्टर द कंटेंट एडवाइजरी कमेटी CAC के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इग्नू, KVS और नेशनल ओपन स्कूलिंग, NIOS, NCERT, NGOs, इन सभी पर इस ये काम करता है, क्लियर। फिर आता है शोध गंगा। जिस तरीके से ये शोध सिंधु होता है, ये ई शोध सिंधु है, मतलब आपको वेबसाइट के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको ये मिलता है। इसी तरीके से शोध गंगा भी है, जिसमें नंबर ऑफ जर्नल्स होते हैं और जो थीसिस हैं जो पब्लिश कराई जाती हैं, वो थीसिस को भी आपको डिजिटली एक्सेस मिल जाता है उनका ई शोध सिंधु में, शोध गंगा में, ठीक है, PhD थीसिस का, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, लिखा हुआ है बादल, ठीक है। बादल क्या है? MHRD अंडर NMELCT हैज अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट IIT दिल्ली टू सेट अप अ रोबोट 24/7 बकेट डाटा सेंटर एंड द क्लाउड कॉल्ड बादल, ठीक है। बादल इज अ क्लाउड इट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पीड, ठीक है। ये एक ई आचार्य के जैसा ही एक बादल भी एक कहना चाहिए पोर्टल है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एजुकेशन से थ्रू जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो मिल सकता है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा FOSSE, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। फ्री एंड ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है।
जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन के लिए फ्री होते हैं, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कई सारे आपके पेड होते हैं और कई फ्री होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करे गए हैं किसने, IIT बॉम्बे ने, ठीक है, और FLOSS मतलब फ्री लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है ई ज्ञान कोश, जिस तरीके से शोध गंगा है, शोध सिंधु है, वैसे ही क्या है आपका ई ज्ञान कोश है, जो कि डिजिटली आपको बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, उनको प्रोवाइड करता है, इग्नू के माध्यम से करता है। इग्नू जो है मतलब इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉक टू टीचर, ये भी एक तरीके का ओपन पोर्टल है जिसके माध्यम से आप अलग अलग जगह की टीचर्स से बात कर सकते हैं, उनसे अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इसी तरीके से आस्क अ क्वेश्चन, ये भी एक तरह से ओपन पोर्टल है जिसमें आप बात कर सकते हैं IIT बॉम्बे के जो टीचर्स हैं उनके साथ में, लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपनी जो क्वेरीज होती हैं उन तरीके की क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारत में गवर्नमेंट के साइड से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके माध्यम से चल रही ये संस्थाएँ हैं, और क्योंकि इन एजुकेशन से जुड़ी हुई ये सारी संस्थाएं, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है, और इस वजह से मैंने ये एक सेशन बनाया है। इन सभी का जो मेरे पास है इसका पूरा प्रिंट मैं आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आप इसे और अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा है ये इंग्लिश में ही, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्योंकि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही आपको याद करना पड़ेगा, और कब लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और ये क्या क्या सर्विसेज है जो प्रोवाइड करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आजकल नेट में जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं, देखते हैं कुछ बच रहा है इसमें तो मैं कल उसको बताऊंगी, नहीं होगा तो क्वेश्चंस देखेंगे हम इसके ICT के, ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो, काफ़ी लंबा खिंच गया ICT का, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी नई यूनिट स्टार्ट, ठीक है। देखते हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए हमें, तो हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि फॉर्म आ चुके हैं, अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि कल ही लॉन्च हुआ है आपका, लॉन्च कह रही हूँ मैं, कल ही नोटिस आया है और 10 तारीख से ही आपके फॉर्म भरने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो फॉर्म जल्दी भर देना, लेट मत करना, क्योंकि क्या है कि कई बारी बाद कर देते हैं तो पोर्टल ऐसा हो जाता है कि आपका डिजिटली जो कहते हैं ना बैरियर्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है वो बैरियर्स की वजह से ब्रेक हो जा रहा है, ऐसा हो जाता है कई बारी, तो उतना लेट मत करना, ठीक है। सर्वर डाउन हो जाता है, तो जल्दी से भर दो, फीस सब सबमिट कर दो, और कुछ रह जाता है तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जो भी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मुझे समय नहीं रहता है, काम रहता है, तो भाई ऐसा है, काम तो हमेशा ही करना है, ज़िंदगी है तो काम तो लगे ही रहेंगे, लेकिन अगर फॉर्म भरना है, पेपर देना है, तो पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेशन को करते हैं यहीं पर फिनिश कर, फिर मिलते हैं, अभी 9 बजे की क्लास में भी मिलते हैं, और हाँ आप लोग एक्टिव रहो, थोड़े से आप लोग बहुत डल हो जाते हो कई बार ही ना, क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, उसके बाद फिर उसकी क्वेश्चंस भी नहीं करते हो, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एक्टिव रहिए थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है, टू वे कम्युनिकेशन हमेशा ही अच्छा होता है। तो चलिए करते हैं इस, अगर सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना और शेयर करना दूसरे लोगों के साथ में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस, बाय बाय।